से जो रिपोर्ट फाइल की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ, ये बलात्कार की घटना हुई, उसको लेकर तल्ख टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्राची देखने वाली बात ये होगी कि जब इस पूरी रिपोर्ट, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो रिपोर्ट फाइल की, मतलब जो सीबीआई की जो रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल की गई है, उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद किस तरीके का अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर देता है। एक बात तो तय है कि आज इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई खत्म नहीं होगी, आगे भी इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई चलेगी, लेकिन आज फिर कुछ अंतरिम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर दे सकता है। ये कह सकता है कि जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वो वापस अपने काम पर लौटे, इसका ऑर्डर देगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। और इसके अलावा जो पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट, चाहे वो सीबीआई की तरफ से फाइल की गई हो और चाहे जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रिपोर्ट फाइल की गई है, उसको लगातार अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर इस रिपोर्ट के अंदर देखकर लगता है कि इसके अंदर कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए हैं। तो अभी दलीलें दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रही है और अभी देखना होगा कि आखिर ये मामले में सुनवाई जो है वो आखिर कब तक चलती है। जी प्राची, बिल्कुल। देखिए अतुल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की तरफ से मेंशन की जा रही हैं, वो बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि सच सामने आना चाहिए कि आखिर अभया के साथ क्या हुआ था, आखिर अभया के साथ कुछ गलत हुआ तो क्या उस पर पर्दा डालने की जो कोशिश है वो की गई थी, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से सौंपी गई है या फिर जो जांच और पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से सौंपी गई है, उनके बीच में क्या समानता है, क्या असमानता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो एफआईआर को लेकर बात कर रहा है, वो अननेचुरल डेथ के समय को लेकर बात कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आपने एफआईआर कब दर्ज की, आपने इसे यूडी कब डिक्लेयर किया, कब पोस्टमार्टम आपने शुरू किया, टाइमिंग आपको बतानी होगी और वो टाइमिंग अगर मैच नहीं होगी तो सवाल खड़े होंगे, जैसा कि इस केस में भी खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार मेंशन कर रहा है कि गलत जानकारी क्यों दी गई परिवार वालों को, ये सारी बातें हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। और सुनवाई देखिए, यहाँ पर लगातार सुनी जा रही है, लगातार सुनवाई देखी जा रही है, सभी टकटकी लगाए देखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कुछ डॉक्टर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो बात करते हैं या नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, आपका क्या नाम है? देखिए अभी यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी सुनवाई सुनना है डॉक्टर्स को और उन्हें ये देखना है कि आखिर क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर बैठे डॉक्टर्स जानना चाहते हैं। अभी जैसे ही सुनवाई खत्म होगी वैसे इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका ये क्या मतलब निकालते हैं। लेकिन ये उम्मीद है, जो यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं उनकी एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, वो उम्मीद जब पूरी होती इनको दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जब सही दिशा में चलती हुई नजर आ रही है इन डॉक्टर्स को, तब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, तब इनके चेहरे पर चमक भी है और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब टकटकी लगाए स्क्रीन की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सबको अभया के इंसाफ की दरकार है। अभी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है उसका एक अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। सीजीआई बार बार यूडी को बारे में पूछ रहे हैं, सीजीआई बार बार पूछ रहे हैं यूडी का मतलब अननेचुरल डेथ। पहले तो ये सवाल पूछा गया कि अगर अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया, पोस्टमार्टम किया गया उसके बाद आपने इसको अननेचुरल डेथ कैसे डिक्लेयर किया, टाइमिंग क्या थी, पोस्टमार्टम आपने कब शुरू किया, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एफआईआर को लेकर भी पूछा जा रहा है जिसमें एसजी ने कहा कि फादर को ये परमिशन ही नहीं थी कि वो एफआईआर को रजिस्टर्ड करवा सके, इसलिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने में देरी होती है। एक बार फिर अतुल के पास चलेंगे। अतुल, ये पूरी की पूरी जो सुनवाई है ये यूडी सीडी एफआईआर टाइमिंग पोस्टमार्टम इन सब के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, यानी फैक्ट्स जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, क्यों एफआईआर में देरी हुई ये जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए प्राची, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि तुषार मेहता ने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज कराई गई।